यदि आप नया नियम पढ़ें, तो आप देखेंगे कि यीशु को लोगों ने सबसे ज्यादा क्रिस्ट अर्थात मसीह कहकर पुकारा। पर आश्चर्यजनक बात यह है कि यीशु ने कभी इस शब्द का प्रयोग अपने बारे में बताने के लिए नहीं किया। इसके स्थान पर वह अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहते थे। मनुष्य का पुत्र, इसका क्या अर्थ है? यह वाक्यांश पुराने नियम में दानियल की पुस्तक के एक महत्वपूर्ण अध्याय में मिलता है। दानियल इसराइल देश में लाया गया युद्ध का बंदी था, जिसे बेबीलोन के साम्राज्य में रहने को विवश किया गया और उसे उस अभिमानी हिंसक राजा के लिए काम करना पड़ा जिसने उसके घर को नष्ट किया था। यह कितनी भयानक बात है। जब दानियल बेबीलोन में रहते हुए काम कर रहा था तो उसने यह अजीब सा भविष्य सूचक स्वप्न देखा। क्या आप इसके लिए तैयार हो? मैं तैयार हूँ। उसने चार जंतुओं को अंधेरे समुद्र में से रेंग कर बाहर निकलते हुए देखा। ये जंतु अनेक जंतुओं का मिश्रण थे। इनका आकार बड़ा और रूप डरावना था। हर जंतु पहले वाले से और भी अधिक डरावना था। चौथा जंतु इतना विचित्र था कि उसकी तुलना किसी और जंतु से नहीं की जा सकती थी। वह हिंसक जंतु था जो अपने पीछे मृत्यु और विनाश छोड़ता जाता था। इन सब बातों का क्या मतलब है? उसे बताया जाता है कि ये जंतु हिंसक अहंकारी राजाओं और उनके साम्राज्यों के प्रतीक हैं। अच्छा, उस साम्राज्य की तरह जहाँ दानियल बंदी था। हाँ, आपको ये जंतु निरुद्देश्य लगेंगे, पर यह चित्र बाइबल की एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु को विकसित कराते हैं कि कैसे मनुष्य ही ये अद्भुत जंतु है जिनमें बहुत भलाई और भयानक बुराई करने दोनों की योग्यता है। हम कैसे जानवरों जैसा व्यवहार कर सकते हैं? बिल्कुल, बाइबल के शुरू के पृष्ठों को देखिए। परमेश्वर पृथ्वी के पशुओं और मनुष्यों को एक साथ बनाता है और सभी को मिट्टी से बनाता है, पर फिर मनुष्यों को अलग करके उन्हें परमेश्वर के स्वरूप में होने का राजसी कार्य दिया गया। तो मनुष्य पशुओं के समान है, पर उन्हें और भी बहुत कुछ होने के लिए बुलाया गया है। हाँ, उन्हें पृथ्वी पर परमेश्वर के प्रतिनिधि होना है और उसकी ओर से राजाओं और रानियों के समान राज करना है। पर आप पढ़ते जाइए और देखिए कैसे मनुष्य एक पशु द्वारा छला गया जिसने कहा कि वे परमेश्वर के सहभागी होने से भी बढ़कर कुछ हो सकते हैं। हाँ, ताकि वे संसार पर अपनी शर्तों पर राज कर सके, जो उन्हें यह सुनने में अच्छा लगता है। पर परमेश्वर जानते थे कि यह विनाशकारी होगा और इसीलिए वह मनुष्य को वहाँ से निकाल कर पशुओं के संसार में भेज देते हैं। सहभागिता समाप्त हो जाती है। पर परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं कि एक दिन एक मनुष्य उत्पन्न होगा जो इस पशु से हार नहीं मानेगा, बल्कि जब उस पर प्रहार होगा तो वह पलटवार करके जयवंत होगा। ठीक है, तो बाइबल की शेष कहानी में हम उस मनुष्य की प्रतीक्षा करते हैं, पर इसके बदले एक के बाद एक कहानी में हम लोगों को पशु समान व्यवहार करते हुए देखते हैं। हाँ, जैसे अगली कहानी में जो कैन के विषय में है। वह अपने भाई हाबिल से ईर्ष्या रखता है और क्रोधित है। परमेश्वर कैन को चेतावनी देते हैं कि वह पशु समान प्रवृत्ति अर्थात पाप का सामना कर रहा है, जो ऐसी अंधकारमय और रहस्यमयी बुराई है जो मनुष्य को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। पर परमेश्वर कहते हैं कि अगर वह चाहे तो इस पशु पर प्रभुता कर सकता है। पर वह पशु पर प्रभुता नहीं करता है। वह इस प्रवृत्ति को अवसर देता है कि वह उसे अपने वश में कर ले और फिर वह स्वयं पशु बन जाता है। इसके बाद कैन की संतान अपने पशु समान हिंसा को फैलाने लगते हैं और इसके चलते एक संपूर्ण नई सभ्यता की स्थापना होती है जो अपने पशु समान अहंकार के लिए जानी गई, बेबीलोन का नगर। अच्छा, बेबीलोन। तो अब तेजी से आगे बढ़ते हैं और यहीं पर दानियल दासत्व में है और उसने यह विचित्र सा स्वप्न देखा। बिल्कुल, अब देखिए कि दानियल के स्वप्न में आगे क्या होता है। वह परमेश्वर के सिंहासन कक्ष में देखता है जहाँ दरबार लगा है जिसमें परमेश्वर इस जंतु को घात करने का फैसला सुनाते हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है। और फिर दानियल देखता है कि वह एक से अधिक ईश्वरीय सिंहासन है। अच्छा, वह सिंहासन जिसे मानवता अपने पीछे छोड़ आई थी। हाँ, अभी तक तो कोई ऐसा मनुष्य हुआ नहीं जो इस जंतु को हराकर परमेश्वर के साथ बैठकर राज्य कर सके। दानियल एक आकृति को देखता है जिसे मनुष्य का पुत्र कहा गया, जिसका अर्थ है एक मनुष्य। वह बादलों पर सवार होकर परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचता है और फिर ईश्वरीय सिंहासन पर बैठ जाता है ताकि संसार पर राज्य कर सके। सहभागिता फिर से पहले जैसी हो जाती है। हाँ, बल्कि उससे भी अच्छी। संपूर्ण मानव जाति परमेश्वर के साथ साथ इस मनुष्य के पुत्र की भी उपासना और सेवा करती है। उपासना करती है? तो यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, यह मनुष्य के रूप में परमेश्वर है। बिल्कुल, तो अब आप देख सकते हैं कि जब शताब्दियों बाद यीशु नासरी दृश्य में आते हैं तो वह क्यों अपने लिए मनुष्य के पुत्र की उपाधि चुनते हैं।
वह दावा कर रहे थे कि वही वास्तव में वह मनुष्य है जो पशु से मुकाबला करने के उद्देश्य से आए हैं। उनके सामने पशु की शर्तों पर सत्ता प्राप्त करने की परीक्षा भी आई थी, परंतु अपने से पहले आए सभी मनुष्य के विपरीत यीशु ने इस तीव्र प्रवृत्ति का विरोध किया और फिर वह लोगों के जीवन से इस पशु को निकालने के कार्य में जुट गए और उन्होंने लोगों को सिखाया कि कैसे वे इस पशु को अपने ऊपर प्रभुता न करने दे बल्कि उस पर प्रभुता करें। अच्छा, तो इस पशु पर कैसे प्रभुता कर सकते हैं? यीशु ने तो यह काम अपनी जान देकर किया। एक मिनट, मरने के बाद इस पशु पर प्रभुता की? हाँ, जब यीशु पर मानवीय अदालत में मुकदमा चल रहा था और उन्हें मृत्युदंड दिया गया तो उन्होंने कहा, अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। पर वह तो उस समय मरने जा रहे थे। बिल्कुल सही, एक दृष्टिकोण से क्रूस एक अमानवीय यातना देने वाला यंत्र प्रतीत होता है, परंतु यीशु ने इसे अपने सिंहासन के रूप में देखा। इस सिंहासन पर उन्होंने हमारे बुराई को अवसर दिया कि वह अपने अमानवीय स्वभाव की चरण सीमा को प्रकट करे और फिर उन्होंने अपने ईश्वरीय जीवन और प्रेम के द्वारा उस पर जय प्राप्त की। यीशु का प्राण दंड उनकी महिमा मंडन था। तो यीशु वह पहले मनुष्य है जिन्होंने पशु पर जय पाई और फलस्वरूप वह परमेश्वर के सहभागी बनकर संसार पर राज कर सकती हैं। तो अब यीशु एक नई मनुष्यता को अस्तित्व में ला रहे हैं जो इसी विरोधाभासी तरीके से पशु पर जय पा सकती है, यानी मर के पशु पर प्रभुता कर सके और फिर यह जान सके कि यीशु का जीवन और सामर्थ्य कैसे हमारा जीवन और सामर्थ्य बन सकता है ताकि हम परमेश्वर के सहभागी बनकर संसार पर राज्य कर सके, पर यीशु की तरह सेवा, दीनता और निस्वार्थ प्रेम की सामर्थ्य में होकर।